बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए हकूमत की तरफ से 20 लाख का कर्ज और वो भी बग़ैर सूद के। अब आप पूरे पाकिस्तान से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम आमदन ख़ानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी आज की वीडियो में। ऑफिशियली वज़ीर-ए-आज़म की जो स्पीच हुई है वो आपको सुनाएंगे भी, और आप इसके लिए नज़दीकी किस बैंक से जाके ये कर्ज़ ले सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने से पहले अगर आप वर्ड से ऑनलाइन चैनल पे नहीं हैं, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अब आपको तफसील जो मिलेगी वेबसाइट sageopcity.com पे, जहाँ पे आपकी नियरेस्ट ब्रांच से कहाँ से कर्ज़ मिलेगा और आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसके लिए अहल हूँ या नहीं, और अप्लाई का मुकम्मल तफसील आपको जब ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, नीचे ही इस वेबसाइट में गवर्नमेंट स्कीम में आके आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पर लाने का मकसद ये है, सेहत इंसाफ कार्ड, अगर आप हकूमत से 30% रायत पे राशन लेना चाहते हैं, इसी तरह अगर आप आके नीचे चेक करें 14,000 पे कम आमदन वालों के लिए हकूमत की तरफ से महाना ऐलान किया गया है, उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे उसकी तफसील भी आपको यहाँ पे मिलेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए भी अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन टू द पॉइंट, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाएंगे। स्टार्ट में ही बताते चलें, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया तो 5771 पर SMS करें, अपना ID कार्ड मैसेज करें और आप अपनी अहलियत जान के नियरेस्ट कौन सी आप जाके ब्रांच से कर्ज ले सकेंगे। ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वज़ीर-ए-आज़म का, वो स्पीच जानने से पहले आप आके यहाँ पे डिटेल्स पहले चेक कर लें, जहाँ पे आपको इसकी कंप्लेन हेल्पलाइन नंबर भी इस पेज पे आके मिलेगा। ये क्लिक है अगर बटन पे क्लिक करके आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना है, पहले स्पीच सुनाते हैं और बाकी फिर फर्दर इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्या तरीक़ेकार और कहाँ से बैंक से आप जाके कर्ज लेंगे, उसकी तफसील आपको मिलेगी। कामयाब पाकिस्तान, शहरों के अंदर और देहातों में 20 लाख खानदानों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सूद के बगैर 5 लाख कर्जा अपनी बिजनेस शुरू कर सके, अपने अपने किसान अपने खेत पे लगा सके, 20 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा दे रहे हैं अपना घर बना सके, उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन, ये सारा एक खानदान के लिए टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। फिर ये पहली दफा, ये सारी चीजें पाकिस्तान में पहली दफा हो रही है। फिर अब सबसे ज्यादा एक इंसान क्या चाहता है कि मेरे सर के ऊपर छत हो, अपना घर हो। अब शहरों के अंदर इतना महंगा घर बनाना, लोग आम आदमी घर ही नहीं बना सकते। हमारी ये कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि लोग अपना घर नहीं बना सकते। तो पहली दफा आप सुनो मेरे पाकिस्तानियों, पहली दफा हमने बैंकों के साथ मिलकर, हुकूमत ने भी पैसा डाला है, बैंकों ने पहली दफा कर्जे देने शुरू हुए उन लोगों को, मजदूरों को, वेल्डर को, मोची को, दर्जी को। और कैसे कर्जे अब क्या किया हमने, जो वो किराए का जो किस्त देते थे एक महीने की किराए के लिए, उसी किस्त को हमने बैंकों से कर्जा ले लिया, बजाय किराया देने के वो बैंकों को किस्त देते हैं और घर उनका अपना हो जाता है। अब तक 60 अरब रुपए, अब तक 60 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बैंकों ने ये छोटे लोगों को कर्जे दिए हैं। इससे पहले सिर्फ पैसे वालों को कर्जे मिलते थे, और इंशाल्लाह मेरा इसको हम बढ़ाते जाएंगे। और मेरी ख्वाब यह है कि मेरे आम लोगों के लिए हम सस्ते कर्जे दें ताकि वो अपने घर बना सकें। फिर हम महंगाई का दौर है, एहसास राशन अब हम शुरू कर रहे हैं। 2 करोड़ खानदान को हम पैसा दे रहे हैं, वो जाके घी, आटा और चीनी 30% इसके ऊपर उनको रियायत मिलेगी किराना स्टोर से। ये पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ खानदान के लिए हम कर रहे हैं। इसी पेज के नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पे तफसील आ जाएगी। आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी एज लिमिट 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और नज़दीकी NRSP
कि किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक से आप जाके कर्ज ले सकते हैं, जिनकी तमाम लिस्ट आपकी इस टाइम स्क्रीन पे है। ये 11 बैंक हैं, आप ये नज़दीकी जो भी ब्रांच के नज़दीकी हैं अपनी लिस्ट आके कैसे जानेंगे? एग्जांपल आप किसी भी एक आके माइक्रो फाइनेंस बैंक में एग्जांपल आल ब्रांचेस लिस्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे पास इसकी तमाम लिस्ट ओपन होके आ जाएगी कि मेरे पास इनकी नज़दीकी ब्रांच कहाँ पे है। सबसे पहले मैसेज करें, अहलियत का पता करवाएं, फिर आल ब्रांचेस पे क्लिक करें जो आपकी नज़दीकन है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी कि इनकी नज़दीकी ब्रांच आपके पास कहाँ है, और आप उस पर नंबर पर हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं जो आपको तफसील से आगाह करेंगे कि आप इस टाइम आके ये वेरिफिकेशन क्लियर करवा के हुकूमत से बगैर सूद के कर्ज ले सकेंगे। मजीद जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो हमारे इस पेज से जॉब सिटी गवर्नमेंट स्कीम में सबसे पहले शेयर कर दी जाएंगी। हमारे चैनल पे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक के साथ शेयर करें, और इस तरह की मजीद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उन दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें जो इस ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के अहल हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।